डार्लिंग, तुम्हें नहीं लगता जंगल में रोमांस करने का अलग ही मजा होगा? एक तो तेरे पास जमीन का पट्टा नहीं है और ना ही राशन कार्ड है, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं। इनकी गलती क्या है इसमें? पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के
इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं जो उससे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते, आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है जो उसके दिल को छू जाता है। वह
प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते, आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखें इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं करी। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उससे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य
जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखें इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती हो तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच
संध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। एमए कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते हैं। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा संध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। संध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने संध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। संध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से संध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि संध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। संध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि संध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि संध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद संध्या घर से लापता हो गई। इस बीच संध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। एमए कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते हैं। आखिरकार उषा, उसकी माँ
अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा संध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। संध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने संध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। संध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से संध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि संध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। संध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि संध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि संध्या ने अपने प्रति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद संध्या घर से लापता हो गई। इस बीच संध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते, आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म
नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने प्रति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में सांध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे सांध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। सांध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफ़ी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं।
दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और अस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। संध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने संध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। संध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिविंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से संध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि संध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। संध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उससे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि संध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि संध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद संध्या घर से लापता हो गई। इस बीच संध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा संध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है।
शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वनाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। संध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने संध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। संध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिविंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से संध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिविंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि संध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। संध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि संध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि संध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद संध्या घर से लापता हो गई। इस बीच संध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था, उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा संध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में
तो उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। साध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वो और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने साध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। साध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें साध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिविंदर के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से साध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिविंदर और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि साध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। साध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि साध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि साध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद साध्या घर से लापता हो गई। इस बीच साध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते हैं। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में साध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे साध्या ने उसके लिए छोड़ दिया क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। साध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा साध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच साध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब साध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाज़िया उसका समर्थन करने आती है तो साध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाज़िया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। साध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय साध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। साध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। साध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने साध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। साध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की
कोशिश करती हो तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिविंदर के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते, आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती हो तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस
प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। एमए कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखें इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं करी। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह
प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखें इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती हो तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है।
MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते हैं, आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते हैं, आखिरकार उषा उसकी माँ
अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा संध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। संध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने संध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। संध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से संध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि संध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। संध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि संध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि संध्या ने अपने प्रति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद संध्या घर से लापता हो गई। इस बीच संध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते, आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म
नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में सांध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे सांध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। सांध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफ़ी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं।
दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और अस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। संध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने संध्या से शादी नहीं करी। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। संध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से संध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि संध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। संध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि संध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि संध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद संध्या घर से लापता हो गई। इस बीच संध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा संध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ
गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिविंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिविंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था, उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफ़ी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में
तो उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। साध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वो और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने साध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। साध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें साध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिविंदर के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से साध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिविंदर और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि साध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। साध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि साध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि साध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद साध्या घर से लापता हो गई। इस बीच साध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते हैं। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में साध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे साध्या ने उसके लिए छोड़ दिया क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। साध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा साध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच साध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब साध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाज़िया उसका समर्थन करने आती है तो साध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाज़िया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। साध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय साध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। साध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। साध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने साध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। साध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की
कोशिश करती हो तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिविंदर के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने प्रति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते, आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती हो तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के
इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। एमए कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखें इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं करी। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है।
वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं जो उससे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखें इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती हो तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है।
MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते हैं, आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते हैं, आखिरकार उषा उसकी माँ
अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा संध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। संध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने संध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। संध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से संध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि संध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। संध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि संध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि संध्या ने अपने प्रति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद संध्या घर से लापता हो गई। इस बीच संध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते, आखिरकार उषा उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म
नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच सांध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब सांध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो सांध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। सांध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय सांध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। सांध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। सांध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने सांध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। सांध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सांध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिवेंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से सांध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि सांध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। सांध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि सांध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि सांध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद सांध्या घर से लापता हो गई। इस बीच सांध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में सांध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे सांध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। सांध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफ़ी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा सांध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं।
दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और अस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वह नाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। संध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने संध्या से शादी नहीं करी। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। संध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिविंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से संध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिवेंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि संध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। संध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उससे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि संध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि संध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद संध्या घर से लापता हो गई। इस बीच संध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखें इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा संध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है।
शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वनाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। संध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वह और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने संध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। संध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिविंद्र के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से संध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिविंद्र और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि संध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए, जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। संध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं, जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि संध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि संध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद संध्या घर से लापता हो गई। इस बीच संध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था, उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी, जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में संध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला, जिसे संध्या ने उसके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। संध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफ़ी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। पगलेट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक युवा विधवा संध्या और उसके ससुराल वाले अपने पति आस्तिक की मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद मृत्यु हो गई। आस्तिक के माता पिता उषा और शिवेंद्र अपने सबसे बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी है, जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिवार को तब और भी अधिक कष्ट होता है जब उनके रिश्तेदार घर पर आकर अशांति फैलाते हैं। दुखी रिश्तेदारों से भरे घर के बीच संध्या सोशल मीडिया शॉक पोस्ट और आस्तिक के लिए कॉपी पेस्ट टिप्पणियों के माध्यम से जमाई लेती है। उसका रवैया कुछ लोगों को हैरान और कुछ को नाराज कर देता है। एक रिश्तेदार घनश्याम का कहना है कि वह PDSD से पीड़ित है। जब संध्या की सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उसका समर्थन करने आती है तो संध्या उससे कबूल करती है कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम नहीं है। शोक संतप्त परिवार से दूर जाने के लिए वनाजिया के साथ गोलगप्पे की दावत के लिए चुपचाप चली जाती है, जबकि आस्तिक का छोटा भाई आलोच नदी पर आवश्यक अंतिम संस्कार की रस्में करता है। संध्या और आस्तिक पिछले कुछ महीनों में अभी भी एक करीबी जोड़े नहीं रहे। बैंक दावे के लिए आस्तिक के दस्तावेजों की तलाश करते समय संध्या को कोठरी में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। संध्या को अपने मृत पति के प्रति यह सोचकर गुस्सा आता है कि वह उसे धोखा दे रहा है, जबकि आस्तिक के सहकर्मी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास गए। उसे फोटो में
तो उसे फोटो में दिख रही लड़की आकांक्षा मिली। साध्या उसे अकेले में उसके अफेयर के बारे में बात करती है। आकांक्षा बताती है कि वो और आस्तिक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और वे तब तक साथ रहे जब तक आस्तिक ने साध्या से शादी नहीं कर ली। वे शादी नहीं कर सके क्योंकि उसके माता पिता उनके मिलन के लिए सहमत नहीं थे। साध्या के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हालांकि जब वह आकांक्षा से आस्तिक के बारे में और दिख जाने की कोशिश करती है तो दोनों के करीब आ जाते हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यह पता चला कि आस्तिक ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें साध्या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है। शिविंदर के भाई तरुण, घनश्याम और पप्पू ने उसे अपने बैंक ऋण चुकाने के लिए बीमा धन का उपयोग करने के लिए मना लिया और वह अनिश्चय से साध्या के स्थान पर खुद को और उषा को नामांकित करने की कोशिश करता है। शिविंदर और उषा अभी भी अपने बेटे के खोने का दुख मना रहे हैं। परिवार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि साध्या की शादी आस्तिक के चचेरे भाई तरुण के बेटे आदित्य से की जानी चाहिए जो बेरोजगार है और अपने होटल व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंधन करने में विफल हो रहा है। साध्या आदित्य से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है जो उसके दिल को छू जाता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इससे उसके माता पिता और आलोक नाराज हो जाते हैं जो उसे प्यार करता है। आस्तिक के अंतिम संस्कार के 13वें दिन आदित्य जल्दी से निकल जाता है। उसके माता पिता सभी को बताते हैं कि साध्या ने उन्हें बताया था कि वह आस्तिक के बच्चे से गर्भवती थी। आदित्य की बहन अदिति ने खुलासा किया कि साध्या ने अपने पति आदित्य के प्यार को परखने के लिए अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था। अंतिम संस्कार के बाद साध्या घर से लापता हो गई। इस बीच साध्या एक नए शहर में नई नौकरी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। MA कक्षा में टॉपर होने के बाद भी उनके परिवार ने उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही उनके माता पिता का मुख्य ध्यान उनकी शादी करने पर था। उन्हें स्वतंत्र होने की देने की चिंता नहीं थी। आकांक्षा को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखकर वह खुद काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित होती है। उसे एहसास होता है कि जब तक वह वहाँ रहेगी वह कभी भी अपना जीवन नहीं जी सकेगी। जैसा कि समाज में अन्य लोग महिलाओं के लिए निर्णय लेते हैं। आखिरकार उषा, उसकी माँ अलका और आलोक को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में साध्या ने अपने ससुराल वालों को अलविदा कर दिया। शिवेंद्र को पूरी बीमारी राशि का एक चेक मिला जिसे साध्या ने उसके लिए छोड़ दिया क्योंकि उसका मानना था कि अधिक इसकी आवश्यकता होगी। वह अपने पति की तरह अपने ससुराल वालों का समर्थन करने का भी वादा करती है। साध्या आखिरी बार आकांक्षा से मिलती है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगती है और उसे वह तस्वीर देती है जो आस्तिक ने अपनी किताब में रखी थी। अंत में वह जीवन का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार होकर बस में यात्रा करती है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।